नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट अमरप्रीत। सिम्बा का जो है ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हम आए थे इवेंट पे ट्रेलर देखने के लिए और ये देखने के लिए कि फैंस कितने ज़्यादा क्रेजी है। सो ट्रेलर मैंने देखा और उस पर मेरा रिएक्शन कुछ इस तरीके का है कि ये जो सिंघम फिल्म थी रोहित शेट्टी साहब की अजय देवगन के साथ, उसको एक उसका सीक्वल नहीं कह सकते लेकिन उसका एक पार्ट लिया गया है कि वहाँ पर एक बच्चा रहता है जो हमेशा अजय देवगन को देख के इंस्पायर होता रहता है और वो भी बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता है। फिर हमने ट्रेलर में ये देखा कि वो पुलिस वाला एक्चुअली किसी और रीज़न से बनना चाहता था। वो थोड़ा करप्ट हो जाता है, पैसे कमाने के लिए यू नो पुलिस वाला बनता है। एक डायलॉग है जहाँ पे वो कहता है कि ये यहाँ पे मैं रॉबिन हुड बनने के लिए पुलिस वाला नहीं बना, मेरे को पैसा चाहिए। सो एकदम बहुत ही एनर्जेटिक लगे हैं जैसे रणवीर का कैरेक्टर होता है जनरली फिल्म्स में। और उसके बाद जो है सोनू सूद जो है वो पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं जो कि यू नो उनको क्या उसे कहते हैं पाल के रखते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनके हिसाब से वो काम करते हैं जैसे कि आमतौर पर होता है। आशुतोष राणा सर का जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेलर में नहीं देख पाए, सिर्फ मुझे एक सेकेंड के लिए बीच में दिखते हैं, तो उनका क्या कैरेक्टर है फिल्म में ये एक सरप्राइज़ होने वाला है। और सारा अली खान जो है उनकी एज अ गर्लफ्रेंड है गानों में कुछ शॉर्ट्स में दिखी है। जहाँ तक अगर बात की जाए ट्रेलर देख के जो कहानी जितनी समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो रणवीर सिंह है एक करप्ट पुलिस वाले होते हैं जिनको बचपन से पुलिस वाला बनना था, जब वो बन जाते हैं तो उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक लड़की से मिलते हैं जिसका रेप हो जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसके बाद जो है उनकी लड़ाई जो उनका जो पूरा पलट है यू नो फ्रॉम करप्ट पुलिस ऑफिसर टू यू नो जो अपना ड्यूटी करे वैसा वाला पुलिस ऑफिसर जो उनका पलट है वो होता है और विलन्स को धो धो के मारते हैं। शायद सोनू सूद ही विलन है जिनको वो पटक पटक के मारेंगे एंड में, क्योंकि और एक डायलॉग जो है एक सिद्धांत नाम के एक्टर है जो मराठी एक्टर है, सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ लेकिन मैं भूल गया। सो वो जो एक्टर है वो बीच में आके कहते हैं सर ये रेप करने वाले को ना अपना पुलिस वाले को ना ठोक देना चाहिए। बहुत ही गजब का है, अगर आप वो देखेंगे तो रोंगटे खड़े करने वाला ये है। सो कुछ उन्हीं लाइंस में ये होने वाली है कि जो रेपिस्ट है उसके बाद जो है सिम्बा पूरी तरह से बदल जाता है और यू नो अच्छे से उनको धोता है। काफ़ी एनर्जेटिक ट्रेलर है। अब यार रोहित शेट्टी की फिल्म है तो आप एनर्जी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं और ऊपर से उसमें से रणवीर सिंह जिनकी एनर्जी को तो यार पूरी दुनिया जानती है। सो ये था मेरा रिएक्शन, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा ट्रेलर। सो डेफिनेटली 28th को ये फिल्म तो मैं देखने ही वाला हूँ और उसका क्या फिल्म का रिएक्शन होगा। और ट्रेलर के एंड में जाते जाते हम ये देखते हैं कि एक धमाकेदार एंट्री होती है अजय देवगन सर की। और अजय देवगन सर मुझे लगता है इस फिल्म में उनका हमें तो सुनने में आया था कि गोलमाल की टीम के साथ भी उनका एक सॉन्ग है जो उन्होंने शूट किया है, वैसे वो उन्होंने क्लियर किया नहीं है अंदर, लेकिन अजय देवगन का एंड में ज़रूर एक कैमियो होने वाला है इस फिल्म में और धमाकेदार एंट्री है। और सबसे ज़्यादा सीटियो वाला मोमेंट तो वही था जब अजय देवगन की एंट्री होती है, वो भी आप तक पहुँचाने वाला हूँ। सो गाइज एक और रिक्वेस्ट है वीडियो ख़त्म करने से पहले, आप लोग किस किस टॉपिक पर हमारे रिएक्शन चाहते थे, माफ़ कीजिएगा कुछ लोगों ने KGF का रिएक्शन मांगा था वो हमसे हो नहीं पाया, लेकिन KGF के ऊपर कुछ रिएक्शन हम ज़रूर करेंगे ये आपको प्रॉमिस करते हैं। सो कमेंट सेक्शन में ये बताएं आप किस किस चीज़ का वायरल बॉलीवुड से रिएक्शंस देखना चाहते हैं और कौन से टॉपिक से जो कवर करना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू अगेन।